हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। सो आपके लिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जैसे कि कैंडिडेट ने जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में फॉर्म जो है वो लगा चुके हैं, जो कि सुपरवाइज़र की पोस्ट थी ओनली फॉर फीमेल के लिए फ्रॉम जेके एसएसबी की तरफ से। और यहाँ पर आपके लिए हम लेके आए हैं जो कि फुल पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, ठीक है ना, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को नया जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना है ताकि डेली की अपडेट्स जो है आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अच्छे से कीजिएगा, ऑल द बेस्ट, और अपना आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस ऑफ वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। सो यहाँ पर कहा गया है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ऐसा कौन सा काम जो है जिसको फोकस नहीं किया था। सो वो था यहाँ पर इंटरकॉस्ट मैरिज, ठीक है। आंसर इसका जो सही आंसर है वो है इंटरकॉस्ट मैरिज, ठीक है। सबसे तो पहले हम जो है ये पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपका जो है किस तरह से लेके आए लगा, और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस कौन सी आपको वीडियो यहाँ पर चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास द्रौपदी मैरिज, ठीक है। द्रौपदी मैरिज इन द इपिक महाभारत वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है। द्रौपदी मैरिज जो थी, द्रौपदी जो शादी थी वो किस तरह का एक इपिक था महाभारत में, वो आपको बताना है, एक एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेटर्नल पॉलियंड्री, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मीन। आपको यहाँ पर तो सबको पता ही होगा बेसिकली, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब है वो है यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। सो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द लैटिन टर्म जस्टिटिया कन्वे, ठीक है। तो ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो सही है वो आइडिया ऑफ बाइंडिंग रूल्स का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट फॉलो द मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा ट्राइब है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर जो है वो है बिल्स ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मोर्स एंड फॉक वेज। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, किसके बारे में, मोर एंड फॉक वेज के बारे में। तो इसका सही आंसर आपके पास जो है वो है ऑप्शन, यहाँ पर आपको बताएंगे ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि फॉक वेज हैव मोर इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी व्हेन कंपेयर टू मोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेवन्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से पीसेंट मूवमेंट कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीसेंट मूवमेंट। अब इनमें से पीसेंट मूवमेंट जो है वो कौन सा नहीं है, तो वो आपका जो है झारखंड मूवमेंट, इसमें पीसेंट मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है, श्रद्धा इज स्टडिंग पीसेंट मूवमेंट व्हेन शी विजिटेड सम विलेज वेयर वन ऑफ द पीसेंट मूवमेंट्स अमर्ज्ड। She found that the population mostly constituted of scheduled caste and other backward caste and their lands are also not fully developed. Constant mobilization of the peasant is noticed here. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तेलंगाना मूवमेंट, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट भी हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर नाइन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2008 में। कौन सा इनमें से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लॉन्च किया गया था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कामरूप असम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th, नीति इज डूइंग रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड सोशलाइजेशन आर रिलीजन एंड लॉ शी वुड बी फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज. अब ये थ्योरीज किसकी है वो आपको यहाँ पर बताना है. तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी है. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल थ्योरी है. थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, आपको शो नहीं हो रहा होगा. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर लिखा है कि MS असेस जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है. तो MS असेस जो है वो यूज़ किया जाता है डाटाबेस जो है, डाटा जो है उसको मैनेज करने के लिए, किसके लिए, सर्च करने के लिए, कोई क्यूरीज है या उस डाटा को जो है वो प्रोसेस करने के लिए. यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी जो है वो सही आंसर है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लॉन्गविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन फ्यूचर सोसाइटी. इनमें से कौन सा जो है वो मेजर इफेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर बताना है. तो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीज इन प्रीवेलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट वेदास कंटेन ऑल नॉलेज एंड दैट इवन मॉडर्न साइंस ट्रेस कैन बी फाउंड इन वेदास. तो इसका आपका 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज आफ्टर द फैमिली. अब इसका जो ऑप्शन आपको लगा कि क्या है इसका ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि स्कूल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरेक्टिव मेजर ऑफ जुविलेंस डिलीक्वेंसी. तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, द केस इज हेडेड बाय अ हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं. यहाँ पर आप भी अपना आंसर यहाँ पर बताएं हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन. अब इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है एसोसिएशन, यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है गोल ओरिएंटेड. ठीक है, यानी कि गोल ओरिएंटेड और जो है रैशनल रिलेशनशिप, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नाउन एज अ स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वाधार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पर पूछा गया है कि सरिता जो है वो एक नई जिसने शादी की थी, उनके जो इन लॉज थे वो प्रेशर करते थे उनको 2 लाख रुपीस के लिए कि अपने पेरेंट्स से जो है वो नया बिजनेस हमने खोलना है, तो उनको कहें कि 2 लाख रुपीस जो है वो हमें दें, लेकिन वो जो थी वो अपने नहीं कह सकती थी अपने पेरेंट्स से. फिर उसने जो है एज अ स्लेव उसको जो है फिजिकली अब्यूजिंग किया, उसको मारा. तो सरिता के जो इन लॉज थे उन्होंने यहाँ पर किस बेस पे, कौन सा एक्ट पे जो है उन्होंने केस किया है वो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. तो इसका ऑप्शन जो था वो है आपका सही आंसर ऑप्शन सी, पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास जो 20 क्वेश्चन है वो है, घनश्याम इज 18 ईयर ओल्ड एंड बिलोंग्स टू अ BPL फैमिली. ठीक है, घनश्याम जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड है और वो बिलोंग करता है एक BPL फैमिली से अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो उसकी इंदिरा गांधी जो स्कीम है, पेंशन स्कीम है, उनके अकॉर्डिंग जो है उसको किस तरह की जो पेंशन मिलेगी, 1,000, 300, 500 या 100 या फिर 1,500. तो इसका सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन बी, 500. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है ये योजना नहीं है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन सी, गेटिंग हेल्प फॉर ओनली फर्स्ट लाइव बर्थ. ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीसोथो एंड क्यूबा स्पेंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. सो ऑप्शन आपको दिए हैं मेडिकल, सैनिटेशन, एजुकेशन या फिर एनवायरमेंट. तो इसका सही ऑप्शन है एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ओबेइंग फंडामेंटल ड्यूटीज. तो कौन सी है वो आप जल्दी से हमें जो है कमेंट कीजिएगा. आपने तो ये पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी हम आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं. इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी कि श्रद्धा इज प्लांटिंग ट्रीज टू स्टॉप सॉइल इरोजन. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी है. ठीक है, श्रद्धा एंड राम. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट डज द टर्म फिलैंथ्रोपी मीन. इसकी जो है मतलब क्या है, व्हाट डज द टर्म फिलैंथ्रोपी मीन्स. तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्ट ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी. ओके, अगर कहीं आपको डाउट आ रहा है, अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये आंसर इसका गलत है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट. तो इसका सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन बी, 15-year-old सोहाम इज टॉकिंग ड्रग्स विद हिज फ्रेंड. तो 15 साल के लड़के ने कहा कि वो ड्रग्स ना ले, उससे अपने फ्रेंड्स को कहा. ठीक है, सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिटिगेशन की. इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो सही है. तो आपके पास जो सही एग्जाम्पल है वो है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, यानी कि इम्प्रूव इन एनर्जी एफिशिएंस, ऑप्शन 3 and 4, और ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर कहा गया है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अरेस्टेड विनय ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ऑफ ड्रग ड्रीलिंग अकॉर्डिंग टू हिज लॉयर. दिस इज अगेंस्ट द UDHR आर्टिकल. हिज लॉयर इज टॉकिंग अबाउट विच आर्टिकल ऑफ UDHR. तो कौन सा आर्टिकल होगा, पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है एक विनय नाम के लड़के को ड्रग के रिलेटेड, तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल आएगा आपके पास Article 9. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO इज फंडिंग अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज फॉर मेंटेनेंस फॉर हेल्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द UN इज अटैच विद दिस वर्क. तो UNO इसके साथ अटैच है कौन से वर्क के लिए, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटीग्रेटिव प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन. अब इनमें से कौन सा ऐसा फीचर नहीं है, तो वो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, जैसे कि इन दिस प्रोजेक्ट 90% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज टेकन केयर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे यहाँ पर. व्हेन वाज द टर्म फिलैंथ्रोपी इंट्रोड्यूस एंड वेयर. कब और कहाँ जो है इसका इंट्रोड्यूस किया गया था फिलैंथ्रोपी का. तो इसको कब और कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, इसको 500 BC इन ग्रीस में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि वरुण जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर है. एक साल पहले जो है वो मॉडरेट प्लेयर हुआ करता था. ठीक है, बट नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर. अब जो है वो एक बेस्ट प्लेयर है और वो अच्छे से जानता है, उसको एनर्जी और किक वो खेलता है. ड्यूरिंग द फुटबॉल लीग हिज परफॉर्मेंस डिट्रॉयट्स. ही इज़ नाउ रिएक्टिंग स्लोली एंड ही इज़ ऑलवेज फीलिंग sleepy. Then suddenly it is revealed that someone is giving him a drug downgrade his performance he would be given which of the following types of drugs. तो ये किस तरह का ड्रग्स है, आप मुझे ये ज़रा बताइए, ज़रा सोच समझ के बताइए कि इसका आंसर जो है वो कोकेन होगा, मेंड्रेक्स होगा, एम्फीटामाइंस होगा या सेडेटिव्स होगा, सेडेटिव्स. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपके पास आंसर है वो आंसर है 2 और 4, मेड्रेक्स और सेडेटिव्स.
डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आपको डिटेल में हम बताएंगे, आपको मज़ा आएगा कि मैम जो है वो क्लासेस जो है कितने अच्छे से जो है आपको यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? अब आपको पता है बूट जब हम करते हैं किस में करते हैं, हम कंप्यूटर में करते हैं, फ़ोन में करते हैं, किस में करते हैं, ठीक है? तो ये तो सब में करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होता है, बूटिंग का मतलब होता है कि स्टार्टअप सीक्वेंस विद टर्निंग ऑन द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है? जबकि आपको सिलेबस में कंप्यूटर के रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैमिली बाय सोशियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर बताएंगे। अब इसका पावर, रेजिडेंस, एनकीस्टर्स या फिर इकोनॉमी। तो 33 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है इकोनॉमी, ठीक है? क्या है? इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइल फॉर्मेट यूज फॉर सेविंग एज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, 34 का आंसर आपको पता होना चाहिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कीजिए कि फाइल फॉर्मेट अगर हमें यूज़ करना हो सेविंग के लिए तो एमएस वर्ड में क्या हमें जो है फाइल फॉर्मेट है, बताइए जल्दी से। डॉक्यूमेंट, एक्सेलएक्स, पीडीएफ या फिर टेक्स्ट। सही आंसर आपका जो है वो है documents.doc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 35 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीक्वेट फॉर डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑल सिटीजन शुड हैव द राइट टू एजुकेशन। हर एक को राइट है एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू टू न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ पुअर। तो 36 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है रिसोर्स एलोकेशन एंड करप्शन, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एस्टेब्लिश बाय द ब्राह्मिन्स। तो कौन सी थ्योरी थी? वो थ्योरी आपको दी गई थी ऑप्शन सी, पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड सोसाइटी एज अ सिंपल होमोजेनियस एंड द कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनियस। जल्दी करें, ये सोशियोलॉजी जिसका सब्जेक्ट होगा उसको जरूर पता होगा। एच स्पेंसर है, ई डुर्किम है, ए कॉमेंट है, के मार्क्स है, थ्योरी है ये, ठीक है ना? तो 38 का आंसर है एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर नाम इसका, एच से पूरा हर्बर्ट स्पेंसर इसका नाम है। अब 39 जो है, इन वैदिक एरिया डोनेटिंग फूड मनी एक्सेट्रा द नीडी पीपल वॉज कंसीडर्ड। तो इसका आंसर वैदिक एरिया में बताना है आपको, सही आंसर इसमें क्या है? तो इसका सही आंसर है मॉरलिटी, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज यूज बाय मैसीवर फॉर डेफिनेटिंग द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। तो इसका सही आंसर है कॉमन टेरिटरी। 41 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज एक्स इज एग्रीकल्चर, फॉर द पास्ट 2 years दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ ड्रॉट ड्यू टू विच द विलेज आर मूविंग टू अदर एरियाज फॉर वर्क टू अर्न अ लिविंग, द पीपल ऑफ विलेज एक्स आर रेफर्ड एज एनवायरमेंटल। तो इसका ऑप्शन सही जो आपको दिया गया है वो है रिफ्यूजीज, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 42 क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पीसेंट्स इन सोशल साइंस हिस्ट्री। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इट इज़ अ कल्चरली सिस्टमेटिक जो है ये नहीं है फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिलैंथ्रोपिक। तो फिलैंथ्रोपिक के यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो है डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग, ठीक है? और डोनेटिंग आईज टू ब्लाइंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, सना इज़ अ सोशल वर्कर। सना एक सोशल वर्कर है जो इंटरव्यू के टाइम गांव में जो है वो जानती थी सोशल प्रॉब्लम और उसमें इम्पैक्ट हुआ था दोस प्रॉब्लम्स ऑन देयर रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट कलेक्ट द रिक्रूट रिक्वायर्ड डाटा। तो किसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए थी? तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे 45 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी इन एम सी डोनाल्डाइजेशन। ठीक है, जो भी है आप जो है इसको ट्रांसलेट कर लेना। तो इसका सही आंसर आपके पास है यहाँ पर, 45 क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है डी, सर्विंग फूड बाय टीनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फुलफिलिंग द फंडामेंटल टू राइट। कौन सी इसमें से जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है हमारी इंडिया की, फुलफिलिंग नहीं है। सो दैट इज आपके पास आंसर है राधा स्पीक्स अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता पढ़ रही है सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलाइजिस्ट। 47 क्वेश्चन नंबर की ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। इसका नाम है कार्ल मार्क्स, KARL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको K दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ टुडेज सोशल वर्क प्रोफेशन। ऑप्शन इसका सही आपके पास है ऑप्शन सी ऑटोनोमियस बेस्ड। 49 क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द विडो री मैरिज एसोसिएशन इन 1861। तो किसने फाउंड किया था ये, ऑप्शन आपका है मधावा देव गोविंद रनादे। अब यहाँ पर एक ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आपको दिया गया है, मैच करना है इस फाउंडर को। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए और इसका ऑप्शन क्या है कमेंट में मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं हमारे, तो वो हम आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो सेशन में लाएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर रिस्पांस मुझे अच्छा आता है तो आपके लिए नेक्स्ट भी जो है हम इसके लिए लेके आएंगे, ठीक है। सो ये पेपर जो हमने सॉल्व किया है ये है प्रीवियस ईयर का सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम का जो पेपर था, ये वही हमने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन एक तरह का मिल सके कि मैं आपके लिए नेक्स्ट भी जो है आपको सुपरवाइज़र के लिए पढ़ा सकूँ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।